कल्याण करेंगे, 26 तारीख को न्योता करेंगे, 27 को टिकट का इंतजार करेंगे, 28 तारीख को लगन भोज में न्योता करेंगे और 29 से दामन दाम मचा देंगे। 27, 28 और 29 अप्रैल तीनों तारीख चली गई, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह टिकट का इंतजार ही करते रह गए। मंच से खड़े होकर उन्होंने अपने टिकट को लेकर दावा किया था, कहा था 27 अप्रैल को टिकट का इंतजार करेंगे, फिर 29 से दाबम दाब मचा देंगे, लेकिन ना टिकट मिला ना दाबम दाब मचा, तो अब क्या करेंगे ब्रजभूषण। हालांकि ब्रजभूषण के टिकट की डेडलाइन खत्म होने के बाद भी उनका जोश पूरी तरह हाई है, वो लगातार अपने लिए प्रचार कर रहे हैं। उम्मीदवारी के साथ साथ जीत को लेकर भी बीजेपी सांसद फुल कॉन्फिडेंस में है। सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर भी उनका फुल आत्मविश्वास नजर आ रहा है। एक पोस्ट में ब्रजभूषण लिखते हैं, माता बहनों बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है और युवाओं का पूरा साथ है, इसलिए इस बार इतिहास लिखने को केसरगंज लोकसभा सहित पूरा देश बेताब है, क्योंकि अब की बार 400 बार के संकल्प के साथ हमारे केसरगंज लोकसभा सहित पूरे देश की जनता संकल्पित है। आप सभी का इस प्रेम और सम्मान के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूँ। दरअसल गोंडा के केसरगंज से बीजेपी सांसद के टिकट पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। इसको लेकर कुछ दिन पहले उन्होंने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने तारीख बताई थी कि 27, 28 और 29 अप्रैल के अंदर केसरगंज सीट की घोषणा हो जाएगी। उनका वही बयान अब खूब वायरल हो रहा है, आप भी सुनिए वो बयान। करेंगे 26 तारीख को न्योता करेंगे, 27 को टिकट का इंतजार करेंगे, 28 तारीख को लगन भोज में न्योता करेंगे और 29 से दाबम दाम मचा देंगे। सब कार्यक्रम फिक्स है, बर्तियां तैयार है, दुल्हा गायब, लेकिन दुल्हा मिले और अच्छा दुल्हा आपके पसंद के मिले, बोलो भारत माता की, भारत माता की। ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोपों की तलवार लटक रही है। देश की महिला पहलवानों ने उन पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद काफी बवाल हुआ था। माना जा रहा है इसी वजह से बीजेपी अभी तक केसरगंज सीट पर उम्मीदवार तय नहीं कर पाई। सूत्रों के मुताबिक ब्रजभूषण का टिकट कट सकता है और अब तो उनकी दी हुई डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में बीजेपी क्या फैसला लेती है वो अहम है।